हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बी इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज हम करने वाले हैं स्मॉल स्टोरी, बहुत ही अच्छी है, प्राइस ऑफ प्राइड, गर्व की कीमत। ठीक है, इसके हम करेंगे ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड हिंदी में। यहाँ पर लिखती जाऊंगी ताकि आपके लिए पढ़ना और समझना बहुत ही आसान हो जाए, और ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर के साथ, ताकि कोई भी किताब आप जब भी पढ़ें तो आप उसकी सेंस को समझ पाएं। देखिए, रीड तो हर कोई कर लेता है इंग्लिश को, लेकिन सेंस को समझना आना चाहिए कि कब की बात हो रही है, प्रेजेंट की, फ्यूचर की या पास्ट की बात हो रही है, उसको हम समझेंगे। ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम इन अ स्मॉल विलेज, एक समय की बात है। इन मीन्स में, एक छोटे से गांव में, देयर लिव्ड अ यंग मैन, एक रहता था। लिव्ड क्या है? सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनेट का सेंस रहता है। देयर क्या है? इंट्रोडक्टरी देयर है कि मीन्स एक, जैसी सेंटेंस में संख्या आती है तो हम उसको कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? देयर लगाकर। देयर वॉज टू चेयर, देयर वॉज वन टेबल, ठीक है ना। देयर लिव्ड अ यंग मैन, एक युवा आदमी या व्यक्ति या लड़का, नाम का, किस नाम का? लियो, ठीक है, लियो नाम का एक युवा आदमी रहता था एक छोटे से गांव में। क्लियर है? He was strong and smart. वह था। अब इसमें कोई भी एक्शन वर्ड नहीं है, मीन्स कोई काम तो नहीं हुआ इस सेंटेंस में, इसलिए इसको कैसे बनाया गया? सिंपल सेंटेंस से, was वर्ड से। He के साथ हमेशा was का यूज होता है, तो he was strong, बहुत ही बलवान और smart था, ठीक है, होशियार था। और everyone, हर कोई, admired, admired क्या होता है? तारीफ करना, तारीफ करता था। पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है ना, सेकेंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट। हर कोई इसकी क्या करता, तारीफ करता था। बट लेकिन लियो वॉज ऑल्सो वेरी एरोगेंट, लियो था बहुत, ऑल्सो मीन्स होता है भी, ठीक है ना, और वेरी मीन्स बहुत, एरोगेंट होता है मीन्स बहुत ही घमंडी, बहुत ही घमंडी था। ही बिलीव्ड ही वॉज बेटर देन एवरीवन एल्स, वह विश्वास करता था या फिर मानता था, पास्ट इंडेफिनिट, कि वह था, क्या था? बेहतर, किसकी तुलना में? दैन लगा है, एवरीवन एल्स मीन्स से, किससे? एवरीवन, हर किसी से। और ऑफन बोस्टेड, अक्सर, बोस्टेड क्या होता है? डींग हाँकना, शेखी मारना। अबाउट के बारे में, किसके बारे में? अपनी योग्यताओं के बारे में। इसको दोबारा एक बार समझ लेते हैं। बट लियो वॉज वेरी एरोगेंट, वो बहुत ही घमंडी था, वो वे विश्वास करता था या फिर ये वो मानता था कि वो बेहतर है, बेहतर था, वॉज लगा है ना, बेहतर था। देन किससे बेहतर था? एवरीवन एल्स मीन्स किसी और से, किसी और लोगों से वो बेहतर था। एंड ऑफन बोस्टेड अबाउट हिज एबिलिटीज, और अक्सर वो डींग हाँकता था, किसके बारे में? अपनी योग्यताओं के बारे में, कि मीन्स उसी को पता है, जो मालूम है सिर्फ उसी को ही मालूम है, तो इसके बारे में वो हमेशा डींग हाँकता था। वन डे द विलेजर्स डिसाइडेड टू होल्ड अ कॉन्टेस्ट टू फाइंड द बेटर बेस्ट फार्मर इन द विलेज, एक दिन द विलेजर्स, गांव वाले, उन्होंने डिसाइडेड, सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है, निर्णय किया, टू होल्ड, ठीक है, आयोजन का, आयोजन करने का एक कॉन्टेस्ट, प्रतियोगिता, टू फाइंड, ठीक है, ढूंढने के लिए, क्या ढूंढने के लिए? बेस्ट, सबसे अच्छा, सबसे अच्छा किसान इन द विलेज, गांव में, ठीक है ना। वन डे द विलेजर्स डिसाइडेड, डिसाइडेड है तो मीन सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है, निर्णय किया, टू होल्ड, रखने का, आयोजन करने का, ए कॉन्टेस्ट, टू फाइंड, ढूंढने के लिए, इन्फिनिटिव का सेंस दे रहा है ना, द बेस्ट फार्मर इन द विलेज, कि कौन है सबसे अच्छा फार्मर, कि उन्होंने एक प्रतियोगिता की। लियो वॉज श्योर, लियो
था, क्या था, पक्का था, किस चीज में, ही वुड विन, उसको ये था कि वह जीतेगा, ठीक है ना। अब देखिए वुड के साथ विन है, पास्ट में सेंटेंस स्टार्ट हुआ है तो विल का पास्ट वुड, गागेगी का सेंस आएगा, विन होता है जीतना, जीतेगा, ठीक है ना, उसको पक्का था कि वो जीतेगा। द डे ऑफ द कॉन्टेस्ट अराइव्ड, प्रतियोगिता का दिन आया, अराइव्ड मीन्स आया, पहुंचा। लियो कॉन्फिडेंटली प्लांटेड हिज सीड्स, लियो ने आत्मविश्वास से प्लांटेड, बोए, क्या बोए, अपने बीज बोए, एक्सपेक्टिंग देम, ठीक है, और आशा करते हुए उन बीजों की, उनकी, टू ग्रो मीन्स बड़े, बढ़ने के लिए तेजी से। लियो कॉन्फिडेंटली प्लांटेड हिज सीड्स, लियो ने बड़ी कॉन्फिडेंटली आत्मविश्वास से अपने जो उसके पास बीज थे उसने बोए, आशा करते हुए, क्या है ये, प्रेजेंट पार्टिसिपल, आशा करते हुए उनको कि ये जल्दी से बढ़ेंगे, बढ़ने के लिए, और बेटर, और बेहतर होंगे, देन किससे, दूसरों से, एनी वन एल्स, किसी और से, उसको ये था कि मेरे जो बीज हैं वो ही जल्दी बढ़ेंगे बाकियों से, ठीक है ना। एज द डे पास्ड, जैसा कि दिन बीतते गए, बीतते गए, ठीक है ना, लियो स्पेंट मोर टाइम, लियो ने बिताया, सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है, ज्यादा समय, शोइंग ऑफ, शेखी मारना, दिखावे में, ठीक है ना, दिखावे में, देन किसकी तुलना में, केयरिंग मीन्स देखभाल करना, फॉर हिज क्रॉप्स, अपनी फसल के लिए। इसको दोबारा समझाती हूँ, एज द डे पास, जैसे ही दिन बीतते गए, लियो ने अपना जो समय था वो बिताया किसमें, शोइंग ऑफ में, दिखावे में बिताया, देन किसकी तुलना में, उस केयरिंग फॉर हिज क्रॉप्स, मतलब अपनी उसने क्रॉप्स की केयरिंग नहीं की, अपनी फसल की केयर करने के अलावा उसने उससे ज्यादा मीन्स उसने शोइंग ऑफ किया, दिखावा किया। ही स्किप्ड वॉटरिंग देम, उसने स्किप कर दिया, छोड़ दिया पानी देना उनको, बड़ी शेखी में था, उसको ओवर कॉन्फिडेंट था वो, थिंकिंग, ये सोचते हुए कि दे वुड, वे ग्रो, बढ़ेंगे, ग्रो के साथ गे का सेंस क्यों दिया, क्योंकि वुड लगा है, फ्यूचर की बात हो रही है, पास्ट में फ्यूचर की, ऑन देयर ओन, अपने आप से। उसको क्या लगता था, उसने पानी देना छोड़ दिया पौधों को, ये सोचते हुए कि वो अपने आप बढ़ जाएंगे, ऐसे कभी होता है, बिना पानी के कोई बढ़ सकता है पौधा। मीनवाइल, इतने में द अदर, जो दूसरे फार्मर्स थे, किसान थे, उन्होंने मेहनत की, हार्डवर्क, टेंडिंग टू देयर फील्ड्स विद केयर, टेंडिंग मीन्स झुकाव था उनका अपनी खेतों की देखभाल में, ठीक है ना, मीन्स उनका ध्यान उधर था। वेन द कॉन्टेस्ट डे कम, जब प्रतियोगिता का दिन आया, प्रतियोगिता का दिन आया, केम, सेकेंड फॉर्म लगी है, पास्ट इंडेफिनिट है। लियोज क्रॉप वर वीट एंड विल्टेड, लियो की जो, लियोज अपोस्ट्रोफे एस, काके की का सेंस देती है ना हमेशा, लियो की जो फसल थी वो क्या थी, कमजोर और मुरझाई हुई, विल्टेड, मुरझाई हुई थी, ठीक है ना, क्योंकि उसको घमंड इतना था। द अदर फार्मर्स हु हैड पुट, जो दूसरे किसान थे, जो जिन्होंने हैड पुट डाला था, किसमें, सो मच, बहुत ज्यादा एफर्ट, जो प्रयास उन्होंने अपने डाला। द अदर फार्मर हु हैड पुट इन सो मच एफर्ट, बहुत प्रयास डाला, हैड ब्यूटिफुल, थी, क्या थी, बहुत सुंदर, स्वस्थ प्लांट थे, ठीक है ना, पौधे थे जिन्होंने देखभाल की और बहुत मेहनत की, एफर्ट डाला, उनके क्या थे, ब्यूटिफुल हेल्दी प्लांट्स थे। आगे देखते हैं, द जजेस अनाउंस द विनर, जजेस दो थे, जो जज थे उन्होंने घोषणा की, जो न्याय करने वाले थे, है ना,
उन्होंने विनर की, विजेता की घोषणा की. एंड और इट वॉज नॉट लियो, वह नहीं था. कौन? लियो नहीं था. फीलिंग एम्बेरस्ड मीन्स महसूस करते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, शर्मिंदा महसूस करते हुए, एम्बेरस. लियो, लियो ने मीन्स रियलाइज किया इस चीज का, उसको एहसास हुआ कि हिज एरोगेंस, उसकी जो घमंड था, हैड कॉस्ट, कीमत थी उसके प्रतियोगिता की, है ना. क्या नाम है इस स्टोरी का? गर्व की कीमत. उसकी जो गर्व की कीमत थी वो क्या थी? उसकी प्रतियोगिता, जो वो हार चुका था. ही लर्न्ड, उसने सीखा, पास्ट इंडेफिनिट, की हार्ड वर्क, जो मेहनत और विनम्रता आर है, फार मोर, कहीं ज्यादा मूल्यवान देन, किससे? बोस्टिंग अबाउट वन सेल्फ मीन्स शेखी मारना अपने, अपने बारे में, अबाउट मीन्स के बारे में, अपने बारे में शेखी मारने से कहीं ज्यादा मूल्यवान है मेहनत और विनम्रता, ये उसने सीखा. फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, ठीक है, ही ट्रीटेड, उसने व्यवहार किया सबसे रिस्पेक्ट, आदर से, और बिकेम, बन गया एक बेहतर फार्मर, किसान बना, और एक बेहतर व्यक्ति बना. इस चीज ने उसको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया था कि उसके बाद उसने सीखा. हर इंसान अपनी गलती से सीख लेता है, तो उसने भी ली, है ना. जब वो शेखी मार रहा था उसके पौधे, वो फर्स्ट नहीं आया, है ना. उसको था कि मैं ही सबसे बेहतर हूँ. तो हमें ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए. हमें लगता है जो हम कर रहे हैं वो सबसे अच्छा है. ऐसे नहीं होना चाहिए कॉन्फिडेंस, लेकिन ओवर नहीं होना चाहिए. हमेशा आप जो भी करो, बस इतना करो कि हम जो भी करें अच्छा करें, है ना. किसी को नहीं देखना है. तो उसने भी सीख ली, तो हमें भी इस स्टोरी से सीख लेनी चाहिए कि कभी भी हमें शेखी नहीं मारनी चाहिए, ठीक है ना. तो आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी गाइस. तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. गॉड ब्लेस यू. और मेरा जो दूसरा चैनल है जिसपे मैं न्यूज़पेपर रीडिंग भी सिखाती हूँ, बी इंग्लिश थिंकर के नाम से है, ठीक है ना. बी इंग्लिश थिंकर, इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप सीखना चाहते हैं न्यूज़पेपर रीडिंग को. गॉड ब्लेस यू.